दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। आपने जो है पहली अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती में समाप्त और लिपको कर ले रहे हैं इंटरव्यू। तो बात इसमें हो रही है, इसमें जो है साक्षात्कार को लेकर जो प्रदेश के जो 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपको की भर्ती में साक्षात्कार अनिवार्य किए जाने पर जो है विद्यार्थियों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है, क्या कहा कि अभ्यर्थियों का कहना यह है कि इसमें बताया गया कि इसमें लिपिकों की भर्ती में इंटरव्यू सवाल क्या है कि इसमें आपने देखा होगा सरकार ने जो है समूह ग के पदों पर जो है जितने भी इंटरव्यू थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा जो माध्यमिक स्कूलों में TGT की भर्ती होती है, सहायता प्राप्त जो है TGT सहायक अध्यापक की होती है, उसमें भी जो इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया। आप केवल जो है लेक्चरर में केवल है, प्रवक्ता में सीधी भर्ती होती है, उसमें इंटरव्यू कराया है। और जितने भी सरकार ने बोला है कि जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रुप सी की भर्ती में जो है इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। और इन्होंने जो है कहीं पर भी किसी वेबसाइट पर भी जो है इन्होंने ऐसा कोई नोटिस डाला नहीं है। भर्ती का विज्ञापन जो है वेबसाइट पर उपलब्ध ना होने से बढ़ रहा विवाद कि भर्ती होगी या नहीं होगी। और लिखा हुआ यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर जो है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में लिपिक श्रेणी के पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसमें इंटरव्यू शामिल कर दिया गया है। और जबकि जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था समूह ग के रिक्त पदों पर जो इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है, तो इसमें इंटरव्यू क्यों इसमें जो है कर दिया गया, इसमें बताया गया इसमें जो है शासन स्तर से इसमें दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और नियुक्ति जो है प्रबंध तंत्र के माध्यम से हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो सीधी सी बात यही बताई गई है इसमें जो है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि मतलब किसी तरीके का जो है विज्ञापन जिलेवार नहीं निकाला गया है और केवल कुछ स्कूलों से ही निकाला गया है, तो माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़े विवाद ये, कल को भर्ती अगर रद्द हो जाती है तो क्या होगा, इसमें जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध नहीं है। और भर्ती में जो है 20 नंबर का इंटरव्यू शामिल किए जाने के सवाल किया गया। आपने देखा होगा लेखपाल भर्ती आती है, लेखपाल भर्ती में भी इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है, तो इसके जो क्लर्क भर्ती में इंटरव्यू क्यों रखा गया, ये बहुत बड़ा जो है विवाद है। कोर्ट जाने की भर्ती जो है कोर्ट जाने की उसमें है। आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके तो बताइएगा कि इसमें इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि बीटेक अभ्यर्थियों ने जो है मेट्रो की JEE भर्ती में मांगा मौका। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है मेट्रो की ओर से जूनियर इंजीनियर के 109 पदों पर जो है सिविल के 43 और 49 पदों पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड कम्युनिकेशन के भर्ती में बीटेक अभ्यर्थियों को बाहर करने में आक्रोश है। इन विद्यार्थियों ने जो है उत्तर प्रदेश रेलवे कॉरपोरेशन के प्रबंधक को पत्र लिख के आपत्ति जताई है। इन्होंने कहा है कि इसमें देख लीजिए पिछली भर्तियों में इन्होंने शामिल किया गया था, मतलब क्या ये वाले भी बाहर हो चुके हैं। अपने जो नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ खुशखबरी क्या, CGL के जो है 7108 पदों पर जो सीधी भर्ती का परिणाम जल्द जारी हो चुका है। तो इसमें जो है परिणाम जल्द आएगा CGL के लिए। और लिखा हुआ है इसमें जो 45 विभागों में होनी थी भर्तियां, इसमें इंस्पेक्टर हो गए, सेंट्रल एक्साइज के हो गए, इसमें जो है सर्वाधिक पद जो 1258 पद इसमें बताए गए हैं। तो यही चीज अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी लिखा हुआ कि बीटेक वालों के जो है JEE भर्ती में मांगा मौका, और इसमें उत्तर प्रदेश में जो है UP में 109 पदों पर होनी थी भर्तियां। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है 45 विभागों में भर्तियां होनी थी। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि MBBS व BDS में प्रवेश की नीति जारी कर दी गई है। 28 तक जो है पंजीकरण और 29 को जारी होगी, स्टेट मेरिट कराई जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा राजकीय और जितने भी जो है सरकारी कॉलेजों में MBBS BDS के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम चालू हो चुके हैं। 28 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। ये खबर है खेल जगत की। आपने देखा आज से पहले मैंने कभी खेल जगत की खबर नहीं दिखाई है, पर ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए गर्व की बात है। विराट जो दीपावली पाकिस्तान पर रोमांस, आपने देखा होगा इसमें 82 क्वालिफ मैन ऑफ द मैच बताए गए हैं। पाक से जो है कि अंतिम गेंद भी जो है इसमें जीत छीनी, मतलब क्या है इन्होंने जो है कल जो है भारत ने है 2020 इसमें जो है वर्ल्ड कप में जीत लिया। यहाँ पर देख सकते हैं रविवार को पाकिस्तान से जीत चुकी है इंडिया। अपनी जो नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा अगले साल होने की उम्मीद है। उम्मीद वही बता दी है कि इसमें जो है प्रदेश के जो है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो अगले साल होने की उम्मीद बताई जा रही है। आपने देखा होगा आवेदन की प्रक्रिया हुए 1.5 माह से अधिक समय हो चुका, पर अभी तक जो है कोई डेट निश्चित नहीं की गई है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से। यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है वो अगले साल होने की उम्मीद है। अपनी जो नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि RPSC ने जारी किया है 200 पदों पर विज्ञापन। बात हो रही है इसमें खाद्य सुरक्षा FCI के अंतर्गत जो है 200 पदों पर विज्ञापन आ चुका है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये।
आवेदन की अंतिम तिथि की बात करेंगे तो आवेदन की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 1 नवंबर 2022 बताई जा रही है और 30 नवंबर तक इसमें आवेदन चलेंगे। 1 नवंबर से इसमें योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो है 30 नवंबर तक इसमें आवेदन आप अंतिम तिथि है और यहाँ पे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रही है, यहाँ से जाकर अपना फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। अपनी जो नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ वेटिंग लिस्ट वालों को मिलेगी नियुक्ति। यहाँ पे बात हो रही है इसमें DIO जारी करेंगे नियुक्ति पत्र। ये बात हो रही 2016 की जो TGT PGT परीक्षा हुई थी उसमें कुछ सीटें खाली रह गई थी, उसको भरने के लिए जो है वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। वहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट को मिलेगी अपॉइंटमेंट, मतलब क्या है 15 अप्रैल तक जो है ग्रहण करना होगा कार्यभार। इन्होंने बता दिया अगले साल तक भर्ती कराई जाएगी। और यहाँ पर भी देखो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बताया गया इसमें जो है वेटिंग लिस्ट जो है January 2023 के अंत तक जो है वो नियुक्ति मिल जाएगी। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की ओर से जो है हाई कोर्ट ने भी इसमें आदेश कर दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं काम शुरू हो चुका है यहाँ पर जो। तो TGT PGT की छात्रों के लिए खुशखबरी है, आगे देखते हैं फैसला। CGL 2020 में जो है 7108 पदों पर भर्ती होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट आने वाला है। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से मैं आप दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ इसी सप्ताह जारी हो सकता है कि इसमें भर्ती का अंतिम परिणाम। कर्मचारी चयन आयोग ने जो है अब इन्होंने जारी कर दिया नोटिस। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए बीटेक अभ्यर्थियों ने मेट्रो की भर्ती से मांगा मौका, मतलब क्या मेट्रो की भर्ती जो है मैं मौका मांग रहे हमको भी अपॉइंटमेंट दे दिया जाए। ये सिविल वाले हैं और इलेक्ट्रिकल वाले हैं, 109 पदों पर जो है जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी जो नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें जो है MBBS BDS में छात्रों की नीति 28 तक होंगे पंजीकरण। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से। अपनी जो नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटेक्निक छात्र इंस्टीट्यूट खुलने के बाद ही करा पाएंगे सत्यापन। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना इनके एडमिशन के लिए, वो इनके जो दीपावली के बाद ही करा पाएंगे, स्कूल अभी छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। अपनी जो नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि दिवाली के बाद स्नातक में शुरू होगा दाखिला। बात हो रही है इसमें जो है सबसे पहले BCOM में एडमिशन शुरू होने की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। इसके बाद सभी पाठ्यक्रम में 40,000 से अधिक जो है रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। बात और इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा 2022-23 सत्र में स्नातक के दाखिले के लिए दीपावली के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। पहले आप BCOM के, इसके बाद इसके अलग अलग जो है उसमें जो सेशन में अलग अलग जो है पाठ्यक्रम में एडमिशन लेंगे, BA BSc BCOM जो भी कुछ है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन कोई भर्ती आपका ऐसा निकल ना जाए, कोई सूचना आपका छूट ना जाए। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए और इसको फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी बताइएगा, जिससे कि लोगों को तो जानकारी सबसे पहले आ सके। और सबसे पहले आपने देखा सुबह इन्फॉर्मेशन मैं ही देता हूँ। एक बार पुनः यदि आपको कोई अगर क्वेरी है, आपको कोई कमेंट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपके जिले से अगर कोई विज्ञापन नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा, मैं इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार पुनः वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।